الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد جي हमारा पिछला जो درس था वो क्या था ये के तीन آسان आसान अल्फाज यानी तीन کو को मिलाकर जिस तरह حروف यानी يعني तीन حروف को मिलाकर तीन Uh, को मिलाकर जिस तरह लफ्ज बनता है वो हमारा दर्श था जैसे प्लस प्लस रे प्लस, टू वर्क इसी तरह दर्स, रिस्क रूम उड़ा तो ये हमारा पिछला सबक था और पिछला दर्श था तो ये तमाम हरूफ पहले जो है ना वाउ अलग अलग अपनी क्या है अपनी जगह पर मौजूद है और रे क्या है अपनी जगह पर मौजूद है कौफ इन तीनों को अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या है एक लफ्ज मरेंगा और क्या है एक एक लफ्ज बनकर क्या है हमारे सामने तो मौजूद है तो इसी तरह क्या है तमाम अलग अलग हरूफ को मिलाने के बाद वो तो किस तरह एक लफ्ज बन रहा है हम उसको क्या है यहाँ पर पिछले दर्श में तीन हरफी अल्फाज को मिलाने का तरीका पढ़ चुके हैं अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सफा नंबर चौदह पर देखिए तो ये क्या है अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज का जो दर्श है वो है चार हरफी आसान अल्फाज चार हरफी आसान मुरक्कब अल्फाज दो मुरक्कब किसको कहा जाता है कि मिलाने को क्या है मुरक्कब कहा जाता है यानी मिलकर क्या है किस तरह से चार हरफी अल्फाज बनते हैं वो आज के दर्श में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आपको बताती हूं यहाँ पर देखिए इसमें क्या है दाल है अलीफ है फिर दाल है अलीफ है ये चार क्या है अलग अलग हरूफ हैं जब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे तो एक एक लफ्ज क्या है हमारे सामने नजर आएगा तो आप देखिए दाल अलीफ क्या हो जाएगा अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे दाल अलीफ दा फिर और एक मरतबा दाल अलीफ है उसको भी मिलाएंगे हम दाल अलीफ दा तो दा दा हो जाएंगे क्या होगा दा 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 जी तो दार दा, दार दारलिब दा दा इसको पढ़ने का तरीका यही है कि दार दा दार दा, दा दा इसी तरह ये सीन अलग है अलीफ अलग है दाल अलग है अलीफ अलग है अल तो आप पिछले से क्या है सबक में पढ़ चुके हैं कि ये तमाम हरूफ की यहाँ पर शक्लें मौजूद है सीन की किस तरह होती है शक्ल फिर उसके बाद लाम की किस तरह होती है शक्ल जब मिलकर वो अल्फाज में क्या है तमाम मिलकर क्या है एक लफ्स में आते हैं तो उसकी शक्ल किस तरह होती है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीन की शक्ल इस्तेमाल हुई है और इसी तरह क्या है मीम की शक्ल यहाँ पर इस्तेमाल हुई है इसी तरह नून की शक्ल जीम की शक्ल पे की शक्ल ये तमाम शक्लें यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही हैं तो इसी तरह जब वो मिलकर जुमले में या लफ्ज में इस्तेमाल होते हैं तमाम हरूफ तहजी तो इस तरह क्या है शक्लों में क्या है हमारे सामने नजर आ रहे है तो देखिए अब यहाँ पर ये यह पहला लफ्ज जो है ना ये क्या है दादा दा. इसको क्या पढ़ेंगे दादा कितने दा दा दा. कितने हरूफ हैं यहाँ पर चार हर्फ हैं कितने चार चार दाल अलीफ दाल अलीफ तो क्या हो जाएगा दादा उसके बाद सादा सीन अलीफ सा दाल अलीफ दा सा ठीक है थीक। तो हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं दाल प्लस अलीफ प्लस दा हो गया उसके बाद फिर दाल प्लस अलिफ प्लस दा हो गया इक्वल टू दादा इसी तरह सादा सीन, सीन प्लस अलिफ क्या होगा सा फिर दाल प्लस इज इक्वल टू सादा तो यहाँ देखिए तो, तो ये तमाम अलग अलग रूफ को जोड़कर हम क्या है एक लफ्ज बनाना है तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा सादा दादा सादा लामिफ ला ओअिफ व वा, ला वाह दाल दा, मा दाल अलिफ ठीक है नून अलिफ ना नून अलिफ ना क्या हो जाएगा ना ना किस तरह पढ़ेंगे इसको ना ना नून अलिफ ना नून अलिफ ना नाना जी मलिफ जा नून अलिफ ना जाना पे अलिफ पा नून अलिफ ना पाना ला मलिफ ला नून अलिफ ना लाना इसी तरह पे अलिफ पा ते अलिफता काफ अलिफ का फलिफ का ते ये काता है काफ काफ की शक्ल यहाँ पर आपको नजर आ रही है काफ़ का फलिफका ते का काता इसी तरह यहाँ पर काफ की शकल है गाफ अलिफ का ते अलिफ्ता गाता और इसके बाद जो है ला मलिफला ते अलिफ्ता लाता उसके बाद यहाँ पर काफ की शक्ल मौजूद है का फलिफ का लाफ ला काला का ला। इस तरह लिखा जाता है फिर उसके बाद इसको किस तरह पढ़ेंगे जी जा, ला मलिफ जाला जा ला। इसी तरह ते अलिफ़ ता तेअलिफा लामिफ ला का ला, ला। ला ला, ला। तो ये पूरे क्या है चार हरफी अल्फाज हैं तो उसको हम क्या है इस अंदाज से पढ़ेंगे दादा सादा लावा मादा इसी तरह अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट लाइन आप लोगों को नजर आ रही है वो क्या है अलिफ मद की है आखिरी लाइन जो है वो किसकी है इसको क्या कहा, कहा जाता है अलिफ के ऊपर छोटा सा क्या है एक मध है इसको जरा क्या है खींच कर पढ़ते हैं देखिए अलिफ मद अलिफ ता आ ता क्या पढ़ेंगे इसको आता 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 पढ़ेंगे इसी इसी तरह क्या है अलिफ मद आ, थे ता आटा अलीफ, मद आ, या अलीफ या, आ, या, आ, आ या 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 आ क्या पढ़ेंगे इसको आ आ आ या हम्म जी इसी तरह मद नून ना ना ठीक है अलीफ मद आ नून नून अलिफ ना आ ना तो आज का हमारा जो दर्द था चार हरफी अल्फाज को किस तरह मुरक्कब करके क्या है लफ्ज बनाना है तो ये अलग अलग हर्फों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा एक लफ्ज बनेगा जिस तरह यहाँ पर दादा है ये हमारे जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है फिर इसी तरह सादा है लावा ये भी इस्तेमाल किया जाता है नाना दादा जाना मामा इसी तरह ये तमाम क्या है अल्फाज हमारे क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं तो ये क्या है अलग अलग हरफों को मिलाकर क्या है जिस जिस तरह एक लफ्ज बनता है वो आज क्या है हमने सीखा है आज के सबक में के चार हरफी अल्फाज को क्या है मिलाने से किस तरह लफ्ज बनता है वो आज का हमारा दर्ज था जी आप लोगों को कुछ सवाल है कुछ पूछना है इस आज के दर्श में जी जी समझ में आया जी, अगर किसी को कुछ पिछले दर्श में भी अगर कुछ सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग इनशाला उसका जवाब दिया जाएगा तो देखिए आपको क्या करना है ये भी क्या है एक मरतबा देखकर उतारना है आपको और इसी के हम वजन पर क्या है दो-दो क्या है दो-दो मिसालें लिखकर लाना है आप लोगों को ठीक है इंशाल्लाह मैम जी ठीक है जी क्लास के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए सुभानक अल्लहुम्मा सुभानक अल्लहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.